क्या नाम है आपका? अली हसनैन। कहाँ पे होते हो आप? ये एकेडमी फेलो है, स्कूल फेलो? आज ना हम गाड़ी पे नहीं जा रहे। हाँ जी, ठीक है। ये देखिए, ये खड़ी है माशाल्लाह मेरी प्यारी गाड़ी, ठीक है जी। गाइस, आज हम लोग आपको पता है बाइक पे एक्सप्लोर करें। मेरी तो इतनी मर्जी नहीं थी, ऐसे जान से कहती कि नहीं, बड़े प्लान ने कहा था कि नहीं आज हमने एक्सप्लोर करना ही करना है। क्यों, सही कह रही हूं मैं? आज हम बाइक पे नहीं। क्या हो गया तो उन्होंने कहा तभी बताइए। एक टाइम भी हमसे लोग पूछ रहे थे ये कहाँ शॉप है, पार्क गेट में है ना, फेसबुक पे पूछ रहे थे हमसे। अब बताइए आपका पसंद करने का बहुत शुक्रिया। और ये बात है कि आपने रेस्टोरेंट में पहचान लिया मुझे, यकीन कर मैंने वहाँ से मैंने कहा रस खा करके चले। तो वीडियो पसंद आती है आपको? कैसे लग रहे हैं दही भल्ले गाइस? इनके मज़ेदार होते हैं, हमारी रिकमेंड। इनके दही भले अच्छे हैं, रिकमेंड। ये देखिए गाइस, अब हम घर आए हैं तो मिस परीक्षा ने ये चीज़ कि माशाल्लाह आप कुरान पाक रेगुलर पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सोने रंग दिया है जी। गाइस, यहाँ पे फ्राई हो रही हैं चीज़ी बॉल्स। वो फ्रीक्वेंटली कोई गाली दे देती है या बच्ची कुछ बोल देती है, अब मैं उसको लाइव तो नहीं अच्छा लगता कि मैं हैंगर उठा के या कोई जूती उठा के मैं उसको लाइव मारना शुरू कर दूँ। आलू छीले? आलू आपने छीले थे? वाह जी वाह, दो तीन छीले थे। और आप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सना और आप देख रहे हैं इमरान को। इमरान सलाम, कैसे हैं आप? अच्छा जी, ये देखें मेरी बेटी परीक्षा ने आज मजेदार सी ये बनाई है जी, शिनवारी कढ़ाई। क्या बात है, क्या बात है परीक्षा। वैसे जी बिल्ले के डेरे तो खाते उधर नाल पेदे टेस्ट ठीक लग रहे हैं। हां जी, ये देखें ये परीक्षा ने बनाई है जी, ये देखें और साथ कैंडल देखें रखी हुई और साथ बॉयल्ड राइस। गाइज, आप ये देखें इस बच्चे ने क्या किया है। ये देखिए इसकी कबर्ड है और ये सारा कुछ आप देखें। मुस्तफा, ये क्या किया हमने? क्या किया? स्पीड से निकल, क्या किया नोनू? मुस्तफा इसको ठीक करो। गाइज, आपके बच्चे भी आपको इतना तंग करते हैं। हुरम ने तो मुझे बिल्कुल इतना तंग नहीं किया था। ये देखें सर, ये सारे कपड़े इसने निकाल दें। क्या हरकत है मुस्तफा ये? The next day. जी अस्सलाम वालेकुम, आज संडे है जी, तो आज ज़रा इलेक्ट्रिक के घर के छोटे छोटे काम, ये लाइट्स वगैरह नहीं है उन, इसका कोई मसला बना हुआ काम हो रहे हैं। फिर आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, और ये देखें जी। हेलो मासी, ये है जी हमारी प्यारी मौसी, ठीक है। और मासी हमारे पास दोबारा आ गई। मासी कहते जी हमारा आपके बगैर दिल नहीं लगता, रिटायरमेंट के बाद मासी वापस आ गई। मासी वापस आ गई हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। और ये देखें जी मासी चाय बना के पी रही, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग बातें कर रहे थे जी कि उसको पैसे पूरे नहीं दिए, तो ये नहीं, आपको पैसे पूरे दिए थे जी मैंने। हाँ ये देखें, और प्यार है तो मासी हमारे पास वापस आ रही है जी, ये देखें आप देख रहे हैं। और जो दिल करता है मासी माशाल्लाह अपना खुद खाती भी थी, खुद चाय बना रही है, ये देखें जी मासी के इंतजार में, ठीक है जी। ये मासी की बेटी है जी, मासी का इंतजार कर रही है, मासी आना है, इन्होंने लेके जाना है। हाँ जी, प्लम्बर का भी आज काम हो रहा है जी, ये हमारी टैंकी खराब है, इसका भी सारा काम शाम हो रहा है। आज संडे है ना, मैंने कहा चलो काम शाम करवाते हैं। Few minutes later. क्या नाम है आपका? अली हसनैन। अली हसनैन, कहाँ पे होते हो आप? ये एकेडमी फेलो है, स्कूल फेलो? एकेडमी फेलो, कैसा है ये एकेडमी में? ठीक है, ऐसे क्यों आप बेटा? वो देखो आपका फ्रेंड कितना तैयार हो गया है और आप क्यों ऐसे मैसी मैसी होने जा रहे हैं? ये आप समझाते नहीं हो, ऐसे मैसी हेयर क्यों करके फिर रहा है ये आपका फ्रेंड? कटिंग करवाने जा रहा फ्रेंड के साथ? ये हफ्ते जी दो बारी कटिंग करवांदा। वो देखो दो बारी पैसे ले। देखो फ्रेंड ने कैसे बाल रखे हुए हैं तुम्हारे, पफ बनाया हुआ है। कैसे हो सकते इसके बाल? ये रॉक स्टार। क्या करने लगे आप? जरा गाड़ी में। हां जी हां जी, आज ना हम गाड़ी पे नहीं जा रहे। हां जी ठीक है। ये देखिए जी, ये खड़ी है माशाल्लाह मेरी प्यारी गाड़ी, ठीक है। हाँ जी, अल्लाह की रहमत है और अल्लाह पाक सबको दे, जिस जिसके पास गाड़ी नहीं है भाई अल्लाह पाक सबको दे। हाँ फिर इसमें बच्चे ना ले, तो आज हम मुल्तान एक्सप्लोर करने लगे बाइक पे। हमने कुछ तंग गलियों में जाना है इसलिए हम बाइक पे जा रहे हैं। चल बेटा तुम पतले भी तो। गाइस यहाँ से हम लेने आए थे सब्जी और डेढ़ सौ गिनो सब्जी ले आए थे, पैसे दे रहे थे। एक किलो प्याज, एक किलो टमाटर, मिर्च कितने देते हैं? अच्छा गाइस, अब पेट्रोल में वाले आए हैं हम, पहले पेट्रोल भरवाई जाएगी। बाइक का ढक्कन देख लो, ये टैंकी के पेट्रोल का ढक्कन है, इसके काम देख लो। क्या ये फ्री किया वैसे? चल वो
ऊपर वाला वो जो होता है स्टील का वो किधर गया? तोड़ दिया। और ये भी सही है गाइस, ये यहां की बाइक का आज हाल देख ले। आज बाइक एक्सप्लोर हम लोग कर रहे हैं यहां। ये सही बंद हो रहा है, ये बंद करवा लेना आप। आग तो नहीं लग जाती? इतना बुरा क्यों मुंह बनाया? अब ये देखा ना, ये इंसान की अपनी गंदगी होती है, जो बंदा ना ये अपनी चीज को साफ। बच्चा है, बच्चा है, अभी बच्चा। अस्तगफुरुल्लाह, तदे तनु कल डांट हुई कि बच्चा बच्चा कह कर समझाते होते नहीं। गाइस समझाते तो है, लेकिन अब हम ऑफ कैमरा समझाएंगे कि ऑफ डंडा पकड़ लूं मैं। जो चीज आपको लेके सफर कर रही है, आप उसको अपने जैसा ख्याल नहीं रखोगे वो तो खराब हो जाएगी ना। हां, दोनों टायर्स पे भरी गई है। गाइस आपको ऊंचा बोलिए, 120 साफ वाला गुच्छा दो जरा, साफ पीछे मेरी तो इतनी मर्जी नहीं थी। मैं तो जान से कह रही थी कि नहीं, बड़े ब्रांड ने कहा था कि नहीं आज हमने एक्सप्लोर करना ही करना है। सही कह रही हूँ, आज हम बाइक पे नहीं तो देखते हमारे साथ साथ। आज बाइक पे बच्चों को पहले बनाना दे दे, क्योंकि मुस्तफ़ा फीडर नहीं पीता इन बच्चों से। जी तो गाइस आज हम बाइक पे जी बनाना देखने आए हैं। बनाना मैं क्या देख रहे हैं, बनाना देने आए हैं बच्चों को। किधर मुस्तफा बनाना खा लेगा तो अब जाके दो ना, जाके दो। और देखो जी आज ना अपना साथ रहना। हाँ जी गाइस, तो बताते हैं हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं जी अपनी एक बाजी है उनके पास जा रहे हैं। उनका गर्ल्स घर जरा है तंग गलियों में, तो हमने कहा चलो आज बाइक पे चलते हैं, दिखाते हैं, मिलते हैं आपको, दिखाते हैं। और जरा उनका घर आपको पता है, लास्ट हर मंथ हम लोग जाते हैं बाजी की तरफ और आप देखते हैं आज बाइक पे हमने कहा है कि एक्सप्लोर किया जाए। बाजार देखते हैं, कौन सा बाजार है ये? 14 नंबर चुंगी है, ये बर्तनों का बाजार। अच्छा अच्छा, बर्तनों वाला बाजार। जब हम इधर आ चुके हैं, पार्क गेट है, पार्क गेट आ चुके हैं और बैलून्स वगैरह हमने लेने हैं कुछ यहाँ से। जी गाइस, हाँ जी, फेसबुक के लिए जी, जरा सेलिब्रेशन फेसबुक की 300 के हो गए मेरे फॉलोअर जी जी। तो ये वाले हो गए वाइट आ रहे हैं, ये वाला पिंक कर लेते दीवार का सिल्वर है ना कर्टन। और ये मैंने लिया, ये जरा थोड़ी डेकोरेशन लीजिए, ये लाइट वाले बैलून, लाइट वाले बैलून जरा कलरफुल हो जाएगा थे, लाइट वाले नहीं, वो जो बाहर निकले हुए फूल वो वाले। ये बंच है। हाँ अच्छा बंच है, अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा है बंच है इसका। सही शीशे पे कितनी बेल्स लगेंगे? ये अच्छी है। टाइम भी हमसे लोग पूछ रहे थे ये कहाँ शॉप है, पार्क गेट में है ना, फेसबुक पे पूछ रहे थे हमसे। सही है, ये बेले वगैरह भी ले रहे हैं। गाइस अब हम लोग जा रहे हैं, चले हो गया, हो गया जी, हो गया। चले जी, चले चले जी। ये देखिए जी गाइस, अब बताइए आपका पसंद करने का बहुत शुक्रिया। और ये बात है कि आपने तेरे रश में पहचान लिया मुझे, यकीन कर मैंने वहाँ से, मैंने कहा रश था मैंने कहा चले। तो वीडियो पसंद आती है आपको, चले आपके लाइक करने का, आपका पसंद करने का शुक्रिया। इंशाल्लाह आज की वीडियो में आप आएंगे, शुक्रिया बहुत बहुत। 9 बजे देखिएगा। हाँ जी शुक्रिया, थैंक यू सो मच। गाइस अब इमरान लेने गए हैं दही भले, और हमने कहा है कि आज हम यहाँ बैठ के खाते हैं। ये देखिए इमरान अपनी चेयर उठा के खुद ही लेकर आ रहे हैं। सही है, बाहर बैठ के खाने का भी मज़ा है। हाँ जी, इतने रश में बैठ के खाने का, क्या मैं कोई खंभे के नीचे तो नहीं बैठ गई?
चलो फिर की हो जाना ज्यादा नहीं नहीं खंबे के नीचे नहीं बोर्ड है बोर्ड है और ये हवा चल रही है मेरे ऊपर ही गिरे बेशक मट्टी मिट्टा हो गया इधर हां आपके मजे लग जाएंगे अगर ये मेरे ऊपर गिर गया तो अल्लाह रहम करे कैसे लग रहे हैं दही भल्ले गाइस इनके मजेदार होते हैं हमारी रिकमेंड इनके दही भल्ले अच्छे हैं रिकमेंडेड हैं ये है गुलशन मार्केट से पुल क्रॉस करके ना अलफला मार्केट है कॉर्नर पे खड़ा होता है ये देखें आपको आज लाइव ऐ देखो जी गाइस भूत बन गए हम मट्टी 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 बहुत है रश मट्टी ये देखिए गाइस अब हम घर आए हैं तो मिस फरीशा ने ये चीजी बॉल्स बनाई हुई है मिस फरीशा हैं नहीं नहीं ठीक आ रहे हैं काले नहीं आ रहे ठीक आ रहे हैं और ये कबाब्स बनाए हैं और ये चीजी बॉल्स बनाई है देखिए मिस फरीशा फ्राई करके लेके आती हैं जी गाइस अब हम घर आ चुके हैं इमरान माशाल्लाह से यहां पे पढ़ रहे हैं कुरान पाक ये मेरे पास लाइए जरा हाँ जी बोलिए अच्छा लोगों का प्यार होता है लोग किसी ने मुझे सजेशन ये दी थी कि माशाल्लाह आप कुरान पाक रेगुलर पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सोने रब जी रहमत है तो उन्होंने कहा था जी कि आप तर्जमे वाला पढ़ा करें तो मैं उनको कुछ दिखाना चाहता हूँ दिखाइएगा ये देखें ये ना सिर्फ ये देखेंगे ये तर्जमे ये सिर्फ 15 सुपारे हैं ये तर्जमे वाला भी है फिर इसमें साथ साथ हीजे भी हैं ये देखें ना ये जैसे ये लै फॉर एग्जाम्पल रबी यू न कसीर तो यह है रब बी यू न कसीर यानी कि जिस बंदे का एक्सेंट ठीक नहीं जिसको तलफ़ुज़ अदा नहीं करना तो इससे ये भी सीख सकता है वो भी सीख सकता है सारा तर्जमा भी है और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के प्यार का आप इतना अच्छा मशवरा देते हैं अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दें तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तर्जमे के साथ पढ़ता हूँ और इसमें आपका तलफ़ुज़ भी ठीक होता है तलफ़ुज़ भी जिन्होंने तजवीद नहीं पढ़ी है कुरान का तलफ़ुज़ नहीं अदा कर सकते तो इससे इस्तफादा हासिल कर सकते हैं मुझे तो ये है अल कुरानुल हकीम इकरा तफ़सील कुरान ये मुझे दिया था फैसलाबाद से अंकल फयाज ने अल्लाह उन्हें जजाए खैर दे तो मेरा इससे तलफ़ुज़ बहुत ठीक हुआ है ठीक है ना तो मैंने अपना तलफ़ुज़ अपना जो भी था इससे बहुत करेक्शन की है तो जिसने भी बनाया अल्लाह उन्हें जन्नत फिरदौस में जगह दे और अंकल को जजाए खैर दे उन्होंने मुझे ये पहुँचाया आंटी को भी अंकल और आंटी नायला को भी ठीक है ना तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ तो आप भी जो मुसलमान हैं जो मुस्लिम हैं ये तलफ़ुज़ जिसका तस्वीर कुरान है जो कुरान का तलफ़ुज़ भी आपका ठीक करे क्योंकि हम लोगों का अक्सर तलफ़ुज़ ही ठीक नहीं है हमें लफ्ज़ अदा ही नहीं करना आता ठीक है तर्जमे के साथ कुरान की अदायगी सीखें ताकि ना हम अपना पूरा इसका जो प्रॉपर राइट है वो अदा कर सकें बहुत शुक्रिया आपके लिए जी गाइस यहाँ पे फ्राई हो रही हैं चीज़ी बॉल्स और वृषा कहती थी लो पे मैंने कहा लो नहीं इसको मीडियम उस पर करते हैं फ्राई और वृषा जब एक साइड से फ्राई हो जाए फिर इसको हिला देना वृषा को जी ऐसे क्रम्स और ये ऐसी चीज़ों का बहुत शौक है गाइस मिस्टर हसन आ चुके हैं और मिस्टर हसन कुछ स्मार्ट हो के आए हैं पूरे 8 दिन बाद अपने घर से आए हैं सर 8 दिन बाद आए हो ना 8 दिन बाद जी हसन जी अपने घर से आए हैं जी गाइस अब होने लगा है ख़ताब जैसे कि इमरान कहते होते हैं कि जी जब आ जाती है कैमरे में तो इमरान कहते हैं अब ख़ताब करने लगी है मैंने कहा हाँ जी दरअसल कुछ बात मेरे आपसे करनी थी कल की वीडियो पर काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे हुरम के ऊपर अब एक बच्चा है मेरी बात सुने वो फ्रीक्वेंटली कोई गाली दे देती है या बच्ची कुछ बोल देती है अब मैं उसको लाइव तो नहीं अच्छा लगता कि मैं हैंगर उठा के या कोई जूती उठा के मैं उसको लाइव मारना शुरू कर दूं अब कोई बच्चा बदतमीजी करता है तो मतलब कैमरा बंद करके कहता ही है कि आपने बदतमीजी की है इवन तो मैं तो वैसे ही बहुत स्ट्रिक मॉम हूँ इमरान इतने स्ट्रिक नहीं है लेकिन मैं तो वैसे ही बहुत स्ट्रिक हूँ आप मेरे बच्चों से पूछें मैं तो बात ही भाई मैं स्ट्रिक मॉम हूँ मैं आपको बताऊँ ठीक है प्यार अपनी जगह होता है प्यार भी मैं बहुत करती हूँ लेकिन मैं थोड़ी सी स्ट्रिक भी हूँ अब ये तो नहीं था ना कि मैं अगर उसने कुछ कहा था तो मैं उसी टाइम हैंगर लेके उसके ऊपर शुरू हो जाती तशद्दुद करना और फिर आप लोग खुश होते आपके दिल को सुकून मिलता लोग इतनी अजीब बातें करते हैं चीप बातें करते हैं अब यकीन करें इतनी मुझे हैरत होती लोगों के माइंड पे कि बच्चे हैं बच्चे तो कुछ भी बोल देते हैं कुछ भी हरकत कर देते हैं हमें उनका नहीं पता होता बच्चों पे तो बंदा कुछ कह ही नहीं सकता कि हमारे बच्चे बहुत सेंसिबल हैं ये हैं बच्चे कभी भी कोई भी हरकत कर देते हैं इसके ऊपर जरा कूल माइंड रहा करें ये कोई तरीका थोड़ी होता है कि आप एक बच्ची को लेकर छोटी सी बच्ची है वो 5 ईयर की बच्ची है 5 साल के बच्चे से आप क्या सोच सकते हैं कि वो कौन सी वो करेगा बस मुझे बड़ा अफसोस हुआ ऐसे लोगों के माइंड पे कि आप अजीब तरह के कमेंट्स कर देते हैं देखते भी नहीं है कि अगला बंदा क्या सोचेगा जी गाइस ये देखिए चीजी बॉल्स ये वृषा ने बनाए जी ये बहुत अच्छे हैं आलू के कट्टे से मेरे में चीज वगैरह डाला है इसमें चीजी बॉल्स हैं तो टेस्ट बहुत अच्छा है चाय के साथ अब हम ये खा रहे हैं इंशाल्लाह बहुत मजा आ रहा है
और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। फर्स्ट टाइम ट्राई किया इसने। पूरम की दुनिया ने तुम्हारे नाल गर्मा गर्म खिताब कर दिया। मैं कहना है मैंने लिया कर चलने दिया करो, कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है, क्रिएट हो रहा है लोगों का कम है कहना। जो जिसका दोस्त एक बंदा बच्चे को लेके ऐसी बातें तो नहीं अच्छी लगती ना कि आप एक छोटी सी बच्ची है। सना सख्त मॉम है, मां करता हूं ना मैं तो बच्चों से प्यार ही करता हूं, ठीक है ना। कोई बच्चा अगर रहता है तो उसको हम काफी काबू ही रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे बच्चे ठीक है, सब बच्चे हमारे कंट्रोल में, अल्लाह की रहमत से। हां जी, वन टू ऑल। हम सबके बच्चे देखते हैं ना, हमें अंदाजा है। हां जी बिल्कुल। क्यों वरीशा जी? गाइस ये मिस वरीशा ने पहली दफा बनाए थे ना, तो पहली बॉल्स तो इससे खुल गई थी। वरीशा ऐसे नहीं होता, होता है बेटा ऐसे ऐसे कामों में, ऐसा होता है, लोगों को पता होना चाहिए। देखें गाइस ये इसकी सेकंड बॉल्स जो है वो सही फ्राई हो गई थी, ये देखें क्यों नहीं फोकस हो रहा। और ये जो इसकी खुल गई थी ये इसने हमें जोहा को दे दी। इधर करो ना, अब ये देख मैं आपको मजेदार बताऊं, मेरे अल्लाह पाक की रहमत है, अल्लाह पाक का शुक्र है। अब ये नाइन्थ क्लास का बच्चा है वरीशा, अभी हम गए हुए थे बाहर, इसने चिकन पुलाव बनाया, ठीक है, चिकन आलू बनाया इसने, इसने ये वाले बाउल बनाए हमारे ये चाय के लिए। अब नाइन्थ क्लास का बच्चा साथ स्टडी भी कर रहा है, बताएं किसी और का बच्चा है? नाइन्थ क्लास की बच्चियां करती हैं ये काम, हालांकि सोशल मीडिया में ये आलमोस्ट स्टार हैं ये लोग, ठीक है ना। लेकिन हम लोग ना तो अपनी औकात भूलें ना अपने नियम भूलें, हमें अपनी लिमिट्स का पता है अल्लाह की रहमत से, ठीक है ना। प्यार भी करते हैं बच्चों से काम, तुसी भी चिल करो भाई, ना मेरा रोला ना पाई रखा। हाँ जी, प्यार भी करते हैं बच्चे, घर के काम भी करते हैं। आप लोग कहते हैं कि जी घर में इनके दो दो बच्चे हैं, मासी है। फेसबुक पे लोग बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी करते हैं कि जी ये माँ तो बच्चे संभालती नहीं, इनके घर में दो बच्चे हैं वही इनके बच्चे संभालते हैं। ये देखिए वही कोई बात है, मेरी बात सुने। फेसबुक पे मैं तुम्हें क्या हर तरह से साजा माजा गाजा होना और उन्होंने दफा कराया। और विशा तुम्हें पता है कि आज हमें फैंस मिले थे हमारे बाइक पे फिर अगेन। और मैं आपको गाइस एक मजेदार बात बताऊं, परीक्षा ने कहा भी था कि आप बाइक पे जा रहे हैं आपको आपके फैंस मिल जाएंगे। ना फैन मिल जाते हैं वो हमें ना काबू कर लेते हैं, पीछे से आके ना रोक लेते हैं, रोक लेते हैं। और जब भी हम काबू करते हैं ना, हम रश में फंसे हुए होते हैं। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो शुक्रिया उनके प्यार करने का, उनके मोहब्बत करने का, इतने अच्छे कमेंट्स करने का। फिर उन्होंने ये हुरम की दुनिया ना, असल में जब ये टेंस हो जाती है ना, मतलब किसी ने किसी कमेंट सुना तो ये ना डिप्रेस हो जाती है। लेकिन जब इस तरह के लोग मिलते हैं ना, क्योंकि उल्टे सीधे लोग भी होते हैं लेकिन अच्छे लोग भी होते हैं, जब अच्छे फैंस मिलते हैं, अच्छे कमेंट्स करते हैं, तो फिर दिल खुशी होती है, बंदा मोटिवेट हो जाता है, ठीक है ना। और आप लोगों के प्यार की वजह से हम चल रहे हैं, ठीक है ना। मेहनत करते हैं, अच्छी अच्छी कोशिश करते हैं कि अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आएँ जिसमें कुछ ना कुछ अच्छा हो, जो आप लोगों को पसंद आए, ठीक है। तो ठीक है, और इसमें तनकीद करना लाजमी बात है कि अब एक बंदे ने हम पब्लिक हर चीज़ कर रहे हैं तो लोगों तनकीद तो करते हैं। मैं इस चीज़ नहीं करती, मैं लोगों को ये मना नहीं करती कि आप क्रिटिसाइज ना करें, लेकिन मैं उनकी बात की वो तो कर सकती हूँ ना। मिसाल है ना कि जिस जो हमारी फॉर एग्जाम्पल को किसी की इंग्लिश पे क्रिटिसाइज करता है, तो क्रिटिसाइज करने वाले को भी इंग्लिश आनी चाहिए ना। आप उदू पंजाबी ना बोल नहीं आ रहे हो तो इंग्लिश से क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, ये नहीं, ठीक है। बाकी चलता रहता है सब कुछ, हमें इसमें कोई हम पैनिक नहीं होते अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी मिस जुहा, आपने आज कोई काम नहीं कराया? करवाया है। गर्ल्स छोटी बहनें ऐसे ही होती हैं, बताएं। आलू छीले हैं, आलू आपने छीले थे? वाह जी वाह, दो तीन छीले थे। और आप बेटा कोई काम ऋषा आप ही से सीख लिया करो, अपनी आप ही से कुछ भी नहीं सीखती। सिखाने वाली खुद तो बन जाए। हाँ नहीं ऋषा, फिर भी बेटा है, साथ मिल के काम करवाते हैं। और आप गर्ल्स को बता दो कि इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, बता दें इंस्टाग्राम पे हुरम की दुनिया सना हमारा इंस्टाग्राम है, उसको फॉलो करें गाइस, प्लीज फॉलो करें। हाँ जी प्लीज फॉलो कर। चलिए बच्चा पार्टी, चलिए आपके कारी साहब आ गए और कारी साहब से पढ़े। हसन और फातिमा को भी कह दो जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, कारी साहब आए, थोड़ा लेट हो गए और जाएं आप पढ़े जाके कारी साहब से। वालेकुम कारी साहब, काफी दिनों बाद आए हैं कारी साहब आप। अच्छा कैसी उनकी तबीयत? से ठीक है, बहुत बेहतर है, काफी बेहतर है। आज अब आप रेगुलर हो जाएंगे? जी इंशाल्लाह। और आप सब कैसे हैं? हाँ जी अल्लाह का शुक्र, ठीक साहब आयान के ठीक है। हाँ जी हाँ जी सब ठीक ठाक। फातिमा पढ़ रही है, फातिमा को जल्दी पढ़ा दे जैसे जैसे आ रहे हैं। हसन भी आता है जी इंशाल्लाह। हाँ जी बाकी जोहा भी साथ साथ पढ़ाते जाए जल्दी जल्दी, ठीक है। इसको ये हुरम भी दिखा दो। हाँ जी, तो गाइस अब हम आपसे इजाज़त लेते हैं जी, आज का व्लॉग यहीं तक था। अब आपको हुरम की दुनिया, अब आज आप इजाज़त लें जी, रोज मैं लेता हूँ, आज आप लें हुरम की दुनिया। गाइस आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, फेसबुक पे फॉलो करें हुरम की दुनिया सना के नाम से। और हमारी और इसके अलावा कोई आईडीज नहीं है जो मैं बार बार बताती हूँ हुरम की दुनिया के नाम के। इवन यूट्यूब चैनल भी बन चुके हैं गाइस,
बात ये नहीं है आप लोग बनाए, लेकिन आप कम से कम फैन पेज तो लिखे ना। अभी हम भी कोई तरह को खास इतने वायरल नहीं हुआ है कि ये कि भाई बंदा फैन पेज तो लिख ही सकता है ना। इवन मैं आपको बताऊँ यूट्यूब चैनल भी बन चुके हैं हुरम की दुनिया के नाम से ना। आज ना असल में हुरम की दुनिया का ना खिताब लंबा है, आज सारे नाराज। नहीं नाराज की बात नहीं, अभी छोटे बच्चे के साथ की कॉन्ट्रोवर्सी बनती रही थी। हुरम 5 ईयर की बच्ची है, छोड़ो बोर है, तुम अपना खिताब वो कर दो ना। अलविदाई कलमात अदा करते हैं, याद रखिएगा, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। और ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप, और वो आपने एक बंदे को शेयर का कहना है, आगे वो उससे तीन बंदों को बताए, तीन बंदों से आगे तीनों बंदों को बताए, कम से कम एक बंदे को तो शेयर कराओ ना, ठीक है ना। और लाइक करें, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, आपके प्यार का मोहब्बत का, देखते रहिए मोहब्बत देते रहिए, हम कोशिश करते रहेंगे अच्छी से अच्छी वीडियो लाते रहे आपके लिए जी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।